वेलकम टू माय चैनल डियर फ्रेंड। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने लास्ट रिज़ल्ट को अपने कैलकुलेशन में किस तरह यूज़ करते हैं, या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि इज इक्वल टू और आंसर, इन दो कीज़ में क्या फ़र्क है। तो आइए शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कैलकुलेशन करना है 78 डिवाइडेड बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 66, ये वाला कैलकुलेशन मैंने करना है दोस्तों। तो अगर मैं चाहूँ कि मैं पहले ये कैलकुलेशन कर लूँ, और ये मतलब कि ये पहले मैं 45 और 66 को मल्टीप्लाई करूँ, उसके बाद मैं 78 से इसको डिवाइड करूँ, तो चलो पहले मैं ये कैलकुलेशन कर लेता हूँ। तो मैं लिखूँगा 45 मल्टीप्लाई बाय 66 और फिर मैं इक्वल प्लस करूँगा, तो ये मेरे पास आ गया 2970। सही है दोस्तों। अच्छा, अब मैं अपने कैलकुलेशन पर आता हूँ। 78 डिवाइडेड बाय, मेरे पास जो था वो था 45 मल्टीप्लाई बाय 66। वो कैलकुलेशन तो मैंने प्रीवियस स्टेप में किया है, यानी पिछला स्टेप जो मेरा था उसका जो आंसर था वो 45 मल्टीप्लाई बाय 66 का जो आंसर था वही मेरा डिनोमिनेटर था। तो मैं यहाँ पर आंसर प्लेस करूँगा और इक्वल प्रेस करूँगा, तो ये जो है ये मेरा रिज़ल्ट जो है वो आ गया। सही है दोस्तों। तो ये जो आंसर की है ये असल में लास्ट आंसर को स्टोर कर लेता है। सही है दोस्तों। अच्छा, ये आंसर मेरा आ गया 13 डिवाइडेड बाय 495। अगर मैं आंसर की जगह पर वही ऑपरेशन लिख लूँ और इक्वल प्रेस करूँ तो मेरे पास जो है वही आंसर आ गया। तो ये जो